क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? ये महज एक सवाल नहीं बल्कि एक गुत्थी है जिसे सुलझाने में हम पिछले सैकड़ों सालों से जुटे हुए हैं। चाहे वो 16वीं शताब्दी का गैलीलियो द्वारा बनाया गया पहला टेलीस्कोप हो या फिर नासा के 10 बिलियन डॉलर खर्च करने के बाद बना ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इंसानों की इन सभी जद्दोजहद का मकसद इस कायनात में जिंदगी की तलाश करना ही है, भले ही वो चाहे कितने ही सूक्ष्म रूप में क्यों न पनप रही हो। बीतते वक्त के साथ जैसे जैसे हमने साइंस और एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में डेवलपमेंट किया, हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को खोजने के और भी नजदीक पहुंचते गए। हमने खुली आंखों के साथ इस ब्रह्मांड को देखा, सुदूर अंतरिक्ष में कई ग्रहों पर जिंदगी को भी टटोला, मगर फिर भी हमारे हाथ कामयाबी नहीं लगी। आज जब कभी भी आप किसी साइंस फिक्शनल मूवी को देखते हैं या फिर अपनी कल्पनाओं में एलियंस के बारे में सोचते हैं तो आपके जहन में क्या ख्याल आते हैं? एक बेहद विकसित सिविलाइजेशन, अजीब से दिखने वाले क्रिएचर्स जो इतनी फ्यूचरिस्टिक जिंदगी जीते हैं जिनकी कल्पना करना भी शायद मुश्किल हो, और तो और वो रहते हैं हमारे होम प्लेनेट धरती से कई लाइट ईयर्स दूर बसे एक एलियन प्लेनेट पर। क्यों, ऐसा ही कुछ है ना? मगर असल हकीकत इससे कोसों दूर है। दरअसल वैज्ञानिक जिंदगी की तलाश बेहद छोटे स्केल पर कर रहे हैं, ये सोचकर कि क्या पता ये अनजान लोग हमारे ही पड़ोसी हों और कहीं हमारे ही सौरमंडल में न पनप रहे हों। हमारी अभी तक की समझ के अनुसार पानी का लिक्विड स्टेट में होना किसी भी ग्रह में जिंदगी के लिए अनुकूल अवस्था है। इसी के साथ ही उस ग्रह का अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में होना भी बेहद जरूरी है। वास्तव में हैबिटेबल जोन किसी भी तारे के आसपास मौजूद वो इलाका होता है जहां स्टार से आने वाली हीट बिल्कुल संतुलित मात्रा में होती है, न ज्यादा अधिक और न ही ज्यादा कम। इन सभी लाइफ इंग्रेडिएंट्स के अलावा किसी भी प्लेनेट पर लाइफ की एग्जिस्टेंस के पीछे एक बड़ा कारण है वहाँ एक इकोसिस्टम या फिर माइक्रोबियल लाइफ फैक्टर का अस्तित्व में होना, जिसके चलते वहाँ जिंदगी चरणबद्ध ढंग से विकास कर पाती है। ठीक वैसे ही जैसे हमारी धरती पर जीवन की शुरुआत पानी के भीतर रहने वाले कुछ सूक्ष्म जीवों से हुई, फिर शायद वो मछलियों में तब्दील हुए और फिर तमाम म्यूटेशंस और वेरिएशंस के आने के चलते मैमल्स वजूद में आए, और उन्हीं मैमल्स की खूंखार और जंगली अवस्था से इंसानों तक का एवोल्यूशन हुआ। फिलहाल तो हम किसी ऐसे ग्रह को नहीं जान पाए हैं जो इन सभी मापदंडों पर खरा उतरता हो, मगर हमारे सौरमंडल में एक ऐसा ग्रह है जो इन सभी रिक्वायरमेंट्स को काफी हद तक पूरा करता है। वहाँ पानी तो है मगर तरल अवस्था में नहीं, उचित तापमान तो है मगर कुछ ही जगहों पर मौजूद है, और सबसे अहम, जिंदगी के ट्रेसेस तो मिल चुके हैं मगर आज तक कुछ साबित नहीं हुआ। इन्हीं सब रहस्यों और उलझनों के बीच गर्दिश कर रहा है लाल ग्रह मंगल। मंगल पर हम आज से पहले भी कई वीडियोस बना चुके हैं जिन्हें आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, मगर आज हम जान रहे हैं मंगल पर आज से कुछ हफ्तों पहले मिले जीवन के ठोस सबूतों के बारे में। तो ये सबूत आए हैं नासा के क्यूरियोसिटी रोवर से। 6 अगस्त सन 2012 से लगातार अपनी लैंडिंग साइट गेल क्रेटर पर रिसर्च कर रहा ये रोवर लैस है मास्ट कैम, MAHLI और MARDI जैसे बेहद एडवांस्ड कैमरास और सेंसर से जो मार्शियन सरफेस का बेहद ही हाई डेफिनेशन ऑप्टिकल ऑब्जर्वेशन करते हैं। साथ ही इसमें मार्शियन सॉइल के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक ड्रिल और ऑन बोर्ड लेबोरेटरी भी है। पिछले 9 सालों में हमारे इस मार्शियन मैसेंजर ने मार्स की जमीन पर कई एक्सपेरिमेंट्स किए जिनका गोल वही था जो आज से पहले तक भेजे गए सभी रोवर्स का रहा था, इस वीरान ग्रह में जिंदगी की तलाश। और फाइनली पूरे 9 सालों तक मंगल ग्रह की सतह से मिट्टी के सैंपल्स लेने, 14 मीलों का सफर तय करने और 38 से ज्यादा एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करने के बाद फाइनली क्यूरियोसिटी रोवर ने एक कंक्लूसिव डेटा तैयार किया जिसे पिछले साल वैज्ञानिकों द्वारा साइंटिफिकली स्टडी किया गया, और अब उस स्टडी पर कहीं न कहीं वैज्ञानिक इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि वाकई में मंगल पर लाइफ माइक्रोबियल फॉर्म फैक्टर में है। इस रिसर्च की इनसाइड स्टोरी जानने के लिए हमें जाना होगा नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में, जहां कंट्रोल सेंटर में आज से कुछ हफ्ते पहले क्यूरियोसिटी रोवर की ओर से एक्सपेरिमेंट्स की कंक्लूसिव रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में मार्शियन सरफेस की केमिकल कॉम्पोजिशन और एलिमेंट्री कॉन्फ़िगरेशन से जुड़े एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट था। इस परिणाम में ये बात साफ हुई कि जब क्यूरियोसिटी ने मार्शियन रॉक्स को ड्रिल किया और उससे रॉक सैंपल्स का परीक्षण किया तो उसमें कार्बन के ट्रेसेस पाए गए, और उसमें भी खास तौर पर सैंपल के कुल 65% हिस्से में कार्बन-12 पाया गया। कार्बन-12 कार्बन का वो स्वरूप है जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यह केवल लिविंग बींग्स के रिमेन्स
या फिर ऑर्गेनिजम्स की लाइफ प्रोसेस के जारी होने पर उत्पादित होता है, यानी ये मंगल पर जिंदगी की मौजूदगी का एक क्लियर साइन है। कार्बन 12 कार्बन के सभी 15 आइसोटोप्स में सबसे हल्का और लेस डेंस्ड आइसोटोप है। यह किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिक सिस्टम का हिस्सा होता है। इसी के चलते ऑर्गेनिज्म्स की बॉडी में गैसेस एक्सचेंज और एनर्जी कन्वर्जन जैसे मेजर लाइफ प्रोसेसेस अंजाम हो पाते हैं। मगर क्या केवल कार्बन के ट्रेसेस का मिल जाना ही मंगल पर जीवन का कन्फर्मेशन है? इस सवाल का जवाब बेहद अटपटा है, या फिर यूं कहें कि विरोधाभासी यानी कि कॉन्ट्राडिक्शनल है। बायोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट की माने तो कार्बन जिंदगी की बुनियाद है। इसका ऑर्गेनिक रूप में पाया जाना जिंदगी के अस्तित्व के लिए एक सकारात्मक बिंदु है। मगर ये भी जरूरी नहीं कि कार्बन 12 की मौजूदगी सिर्फ और सिर्फ जिंदगी के अस्तित्व से ही जुड़ी हो। इसका ब्रह्मांड में किन्हीं और अननोन कारणों से पाया जाना भी मुमकिन हो सकता है। वो तो हमारी अब तक की समझ और वैज्ञानिक नजरिया इसे एक लाइफ साइन के तौर पर शो करता है। मगर ऐसा बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है कि ये मंगल पर जिंदगी की पुष्टि ही कर देता है। मंगल पर जिंदगी की संभावनाओं का समर्थन करने वाले वैज्ञानिकों ने इस कड़ी में ये तर्क दिए हैं कि शायद आज से कई लाखों करोड़ों वर्ष पहले मंगल पर भी धरती की तरह जिंदगी मौजूद हो, वहाँ पर भी नदियाँ, तालाब और समुद्रों में बहता पानी हो, एक समय यह भी पेड़ पौधों से हरा भरा और खुशहाल ग्रह रहा होगा। मगर किसी अज्ञात विनाश के चलते यहाँ जीवन खत्म हो गया और उस दौर के क्रीचर से उत्पन्न हुई मीथेन गैस कालांतर के अलग अलग केमिकल रिएक्शंस और ग्रीन हाउस इफेक्ट से सरपास होकर ऑर्गेनिकली ही कार्बन 12 में तब्दील हो गई हो। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का इस पर ये मानना है कि पास्ट में नहीं बल्कि प्रेजेंट में यानी वर्तमान में ही मार्स पर जिंदगी जन्म ले रही हो और वो क्रीचर्स मार्स की इस मिट्टी में पनप रहे हों, जिनके मेटाबॉलिक सिस्टम के काम करने से इन सैंपल्स में कार्बन 12 के ट्रेसेस आ गए हों। और ठीक यही बात आज से 45 साल पहले वाइकिंग मिशन के दौरान भेजे गए लैंडर्स ने भी कंफर्म की थी। वाइकिंग मिशन पर डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए आप एंड में आने वाली सजेशंस का इंतजार कर सकते हैं। वहीं तीसरे और आखिरी खेमे के रिसर्चर्स इस बात पर विश्वास करते हैं कि पाए गए कार्बन 12 का किसी भी लिविंग बीइंग या क्रीचर से कोई संबंध नहीं है। ये जस्ट वहां चल रहे प्लेनेटरी चेंजेस के कारण अस्तित्व में आए हैं। इस पर मजीद जानकारी देते हुए कुछ अज्ञात वैज्ञानिकों के रिसर्च पेपर्स ये बताते हैं कि ऐसा वहां पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हुआ होगा। वास्तव में कार्बन डाइऑक्साइड मार्स के बेहद विरल वायुमंडल में किसी नेचुरल केमिकल रिएक्शंस के चलते कन्वर्ट हुई होगी, तो वो धीरे धीरे आकर मार्स की सतह पर बैठ गई होगी, जिसके बाद कार्बन 12 मार्स के रॉक्स और सॉइल में शामिल होकर उसका हिस्सा बन गई होगी। मार्स पर मिले कार्बन 12 को एक्सप्लेन करने के लिए दी जा रही थ्योरीज का अंत यही नहीं होता, बल्कि कुछ वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक परिकल्पनाएं गढ़ दी कि ऐसा होने का कारण आज से लाखों साल पहले सौरमंडल से गुजरा एक गैसियस क्लाउड है। अब इन दावों और थ्योरीज में कितनी सच्चाई है फिलहाल के लिए ये बता पाना काफी मुश्किल है, मगर आप इस पर अपनी राय बता सकते हैं। जी हाँ, आप कमेंट सेक्शन में हमें इस पर विचार जरूर शेयर करें। बाकी मंगल पर चल रही जिंदगी की ये खोज तो यूं ही जारी रहेगी। क्यूरियोसिटी के बाद पर्सिवियरेंस रोवर और इनसाइट लैंडर्स अपनी जीवन की तलाश को मंगल पर जारी रखे हुए हैं। बाकी दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। साथ ही अगर आप डॉक्यूमेंट्री लाइब्रेरी पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल जरूर कर लें, ताकि एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस की वीडियोस आप पा सकें सबसे पहले। दोस्तों, मिलते हैं ऐसी एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।